जन्नत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। दे तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ क्यों, तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला सकता? खोल के देखो इसमें क्या। ये क्या है? It's a shrug. तुम एक काम करो, इसे अभी पहन लो। तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं है ना, इसे कवर हो जाएंगे। अभी? हाँ हाँ ट्राई करो, अच्छा लगेगा। सब लोग अंदर वेट कर रहे हैं, चले? हाँ बस मैं गिफ्ट्स में। After you. मुझे बहुत अच्छा लगा मामी जान जान जाके। उनका घर वैसे का वैसे ही है अभी तक। हाँ घर तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन बस बहुत बेतरतीबी है। साहिदा को कोई ढंग सलीका नहीं है, टेस्ट ही नहीं है उसका कोई। हालांकि तुम्हारे मामू जान अच्छा खासा खर्चा देते हैं उसे, लेकिन भाई अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ माहम कैसी लगी तुम्हें? माहम क्यों, बताए ना क्या मसला है? मसला कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि माहम इज अ गुड गर्ल, मॉडर्न भी है, घरेलू भी है और वैसे भी बहुत केयरिंग है, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा मुझे तो नहीं लगी। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगी? मुझे आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। इरादे तो मेरे नेक हैं, दरअसल मैं तुम्हें माहम को दिखाने ले गई थी। आई लाइक हर, भाई मेरी भतीजी है और फिर जो ब्रॉटअप मैंने उसको दिया है उससे बड़ा फर्क पड़ा उसकी तबीयत में। शी इज वेरी सूटेबल फॉर यू। मुझे लगता है आप अपना माइंड बना चुकी हैं। तो क्या हरज है, सोचो। मुझे थोड़ा वक्त दे, उसे मिलके उसे बातचीत करना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, मैं नहीं सुन रही। चलो कर लो बातचीत भी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम उससे मिलोगे मेरी बातों से 100% एग्री करोगे। शी इज परफेक्ट फॉर यू। ऐसी बात भी नहीं है, रिदा और नवेरा भी तो अच्छी है। नवेरा? उफ तौबा, पता नहीं उस लड़की का क्या प्रॉब्लम है, मुझे उसको देखते कोई उलझन होने लगती है। क्या हो गया अम्मी, वो तो बेचारी मासूम सी है। इतनी मासूम वो है नहीं जितनी बनती है, और फिर नाम तो देखो नवेरा। आप नाम तो उसने खुद नहीं रखा होगा ना? हाँ नाम की भी अच्छी कही। तुम्हें पता है जब वो पैदा हुई थी तो उसका किसी ने नाम ही नहीं रखा कई महीनों तक, उसको बेबी बेबी कहकर बुलाते थे। और फिर किसने रखा नाम उसका? उफ माय गॉड। बेगम साहिबा, 2 महीने की हो गई ये बच्ची और इसका अब तक कोई नाम ही नहीं रखा। इस बच्ची की किसी को कोई जरूरत नहीं थी, और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो उसके लिए सोचने का भी दिल नहीं करता। लेकिन बेगम साहिबा, कोई ना कोई तो नाम रखना ही होगा ना? हाँ इस बदनसीब की कोई तो पहचान होनी चाहिए, लेकिन क्या करूं बानो, जब भी इसके बारे में कुछ भी सोचती हूँ दिमाग काम ही नहीं करता। बेगम साहिबा, आपसे पहले जिस घर में काम करती थी उनकी बेटी का नाम नवेरा था, अगर आप इजाजत दें तो इस बेबी का नाम नवेरा रख दे। रख दो रख दो, जो चाहे रख दो। ये सुन के ना मुझे नवेरा से बात हमदर्दी हो रही है। अच्छा बस ये हमदर्दी वमदर्दी छोड़ो,
जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूँ उसके बारे में सोचो। माहम कैसी रहेगी तुम्हारे लिए? माहम अरे मुझे जवाब चाहिए फौरन, इसी हफ्ते में। ओके गुड नाइट। पता भी है ये क्या चीज है? पहनकर आ गई उनके सामने नदीदों की तरह। हाय अल्लाह माहम छोड़ दो उसका पीछा। मैं तुम दोनों की दुश्मन नहीं हूं, बड़ी बहन। और तुम क्या नाम है इसका, पता भी है? पता है, श्राग है ये, उन्होंने बताया है मुझे। ये उन्हों क्या होता है? हाँ दावर भाई नहीं कहा जाता तुमसे? उतारो ये, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। नहीं मैं नहीं उतारूंगी, मेरा गिफ्ट है ये। माहम क्या कर रही हो? पकड़ो अपना गिफ्ट। ये क्या किया तुमने? वही किया है जो करना चाहिए था। गलत किया है, गिफ्ट था इसका ये। नहीं था, वो मेरे लिए दो गिफ्ट्स लेकर आए थे और तुम्हारे लिए एक। ये उनके सामने खड़ी होकर रो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा गिफ्ट उठा के इसको दे दिया। अगर यकीन नहीं आता तो फूफो से पूछ लेना। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी भी तो कुछ नहीं कहती फूफो के सामने। अम्मी कहती है एक चुप हजार बलाएं टालती है। अवेरा अम्मी की तो मजबूरी है ना, आगे पीछे कोई नहीं है। पप्पू को नापसंद करने के बावजूद उनसे बना के रखनी पड़ती है। तुम्हारे साथ तो सब है। मजबूरी तो मेरे साथ भी है, मैं भी तो अनवांटेड हूँ। नहीं हो तुम अनवांटेड, हम सब है तुम्हारे साथ। ठीक कर लेंगे इसको। नहीं हो सकता ठीक। आपने मैसेज किया था। आपको गिफ्ट कैसा लगा? वो चॉकलेट्स बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अम्मी बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, लगता है आपने उन पे जादू कर दिया। जादू तो उन्होंने मुझ पे किया है, मैंने उन पे नहीं किया। और किस किस पे जादू किया आपने? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि और किस किस पे आपने जादू किया है, पता है आपको? किस पे किया है? मुझ पे। आज के आज ही? नहीं, आज के आज नहीं, उस दिन से जब अम्मी ने आपके लेवल्स करने की खुशी में दावत रखी थी, उस दिन से। मजाक कर रहे हो? नहीं सीरियस हूँ। एक्चुअली अम्मी को आप परफेक्ट लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप परफेक्ट ना भी होती तो मेरे लिए परफेक्ट होती। मैं चाहूं तो आज कह दूं कि मुझे माहम से शादी करनी है, मगर मैं चाहता हूं कि पहले आप मुझे जान लें। अगर मैं आपको अच्छा लगूं तो बात करूं, वरना नहीं। अगर पुप्पू पूछेंगी तो हाँ तो करनी पड़ेगी ना मुझे, ना का तो सवाल ही नहीं।
सब मैं देखूंगा, आप उसकी फिक्र मत करें। इसीलिए मैंने ये बात किसी पे जाहिर नहीं की और मैं चाहूंगा आप भी किसी से कुछ ना कहें। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम अपने बड़ों के प्रेशर में आके कोई फैसला करें। आपको क्या लगता है कि आप मुझे अच्छे नहीं लगेंगे? चक्कर ये है कि मैं पता नहीं क्यों सबको अच्छा लग जाता हूँ। असली बात ये है कि मैं चाहता हूँ जो लड़की मुझसे शादी करे वो मेरी वजह से मुझसे शादी करे, ना कि मेरे फैमिली के नाम की वजह से। आप समझ रही हैं ना? यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने मुझे इतना हक दिया है तो थोड़ा सा टाइम भी दे दें सोचने के लिए। फेयर एनफ। बाय। ओके बाय। मुझे नहीं करनी इस कंजूस से शादी। इतना अमीर है फिर भी $2 का सड़ा हुआ चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दिया। आपका स्पेशल गिफ्ट सोफे के पीछे है। सबके सामने देते ऑकवर्ड लगा इसलिए वहां रख दिया था। Designer bag? Yes. Perfume. ये तुम कहाँ से इतनी मोटी किताब लेकर आई हो? वो रद्दी वाले से ली है। अल्लाह पता नहीं क्या क्या करती रहती है लड़की। छोड़ो इसे और पंखा झलो, मुझे गर्मी लग रही है। पता नहीं इस कमरे का कब ठीक होगा पंखा। जी अम्मी, मैं एसी चला दूँ? एसी चला दूँ? एसी का बिल कौन देगा? तुम्हारे पापा देंगे? जरा सा बिल ज्यादा आ जाए तो इतना हंगामा मचाते हैं। क्या हो गई फिर बैठी? कुछ नहीं, बस अम्मी को गर्मी लग रही है। तुम क्यों आ गई अपनी पढ़ाई छोड़कर? है जरा सी कोई इधर बात होती तुम्हारा ध्यान फटाफट हट जाता है। जाओ जाके पढ़ो। मुझे भी सख्ती करना है इसको, ना कभी कहना पढ़ने का। अरे इसको क्या कहूँ, इसका तो दिमाग ही नहीं है। ऐसी पैसे जाया करने वाली बात है। बस तुम ही पढ़ो ताकि कल को मेरे जैसा हशर ना हो तुम्हारा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत टैलेंटेड है हमारी नवेरा, देख कितनी मोटी किताब पढ़ी। अरे छोड़ो, दो दो आने की किताबें उठा के ले आती रहती। वैसे आप परेशान है ना, इसलिए गुस्सा कर रही हैं। हाय बहुत परेशानी है। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी पुप्पू दावर और माहम का रिश्ता करने पे तुल गई है। हाँ ये तो अच्छी बात है ना। खाक अच्छी बात है। पहले ही उनकी नज़र में मेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है, ऊपर से बेटी का रिश्ता दे दूँ ताकि बिल्कुल ही हाल बुरा हो जाए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं दावर को यहाँ आने से रोकूँ कैसे। अम्मी आप दावर को इस घर में आने से रोक तो नहीं सकती ना, और फिर अगर माहम ने फैसला कर लिया तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। फल्लाह तलत आपा मुझे मेरी बेटी को सारी उम्र दबाती रहेगी। ये रिश्ता नहीं होना चाहिए इस तरह से। अम्मी आप फिक्र ना करें, आपकी मर्जी के बगैर थोड़ी होगी शादी। तुम पागल तो नहीं हो गई? पहले सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, जो मुझसे पूछेगा कोई बेवकूफ़। हमेशा बेवकूफ़ी की बात करना तुम। अच्छा आप परेशान नहीं होना, आराम करें आप। अल्लाह ताला जो करेंगे अच्छा करेंगे। और नवेरा ये पंखा मैं आज झलूंगी, मुझे दो। अरे क्यों, तुम क्यों झलोगी? तुम रहने दो, उसको करने दो, जाके तुम पढ़ो, अपना नुकसान हो रहा है तुम्हारा पढ़ाई का। हर टाइम मुझसे खिदमत कराती रहती, मुझे भी कुछ सवाब कमाने का मौका दे। मैं झलूंगी आज पंखा। नवेरा तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। वो बेकार है, सारा दिन उसका कोई काम भी नहीं है, तो इसीलिए तुम पढ़ो जाके, अपनी पढ़ाई करो।
अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या देख रही हो? आप अंदर नहीं जा सकते? क्यों, अंदर क्यों नहीं जा सकता? मेरा मतलब है जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं जा सकते, आप प्लीज चले जाएं। हाँ लेकिन क्यों नहीं जा सकता, कोई वजह तो होगी। वजह? हाँ वजह। वो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो परेशान है बहुत। परेशान है किस चीज से? आपके आने से। मेरे आने से? क्यों, मैं पूछता हूँ उनसे। नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं बता सकती अभी। वजह तो बतानी होगी। देखो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, यू कैन ट्रस्ट मी। नवेरा कहाँ खो गई हो, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। देखिए पप्पू बहुत अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी बातों से अम्मी बहुत परेशान होती हैं। नवेरा सही बताओ असल बात क्या है? अम्मी को लगता है आपको माँ हमसे शादी करनी है। तो क्या उन्हें माहम की शादी नहीं करनी? करनी है लेकिन आपसे नहीं करनी। क्यों? अच्छा मामी जान को लगता है कि शादी के बाद मेरी अम्मी मामी जान की जिंदगी मुश्किल कर देंगी। मैं खुद मामी जान से बात कर लूँ। नहीं 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 आप अंदर नहीं जा सकते, प्लीज अम्मी को बताएं, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। मैं तो परेशानी में आके आपको सब कुछ बता दिया था, आपने कहा था ट्रस्ट मी। हाँ तो फिर ट्रस्ट करो ना मुझ पर, मैं सब संभाल लूंगा। चलो कुछ नहीं होता, आओ। उस दिन जब मैं आपसे मिलने आया तो काफी चुप चुप थी, आपकी फिक्र हुई मुझे, इसलिए अम्मी के बगैर आपसे मिलने आया। कैसे आप? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक या थोड़ी थोड़ी ठीक? अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, आप अपनी हर तकलीफ मुझे बता सकते हैं। आप इनसे ये पूछें कि अगर ये बिल्कुल ठीक है तो लेट ही क्यों हुई है, ये सोने का टाइम तो नहीं है। याद है मामी जान मेरे लिए आलू के पराठे बनाया करती थी। एक वक्त तो ऐसा था कि मैं नाश्ता नहीं करता था जब तक मामी जान के हाथ के पराठे नहीं आते थे। तो बताए ना कब खिला रही पराठे आप? अम्मी अब घर का ज्यादा काम नहीं करती लेकिन एक जरूरी काम करती हैं। वो क्या? सोचना सोचना सिर्फ सोचना। सोचने का? अब आप ये फजूल का सोचना छोड़ दें, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपने मुझे बताना। और ये आपकी तीनों बेटियों से ज्यादा मैं आपका बेटा हूं। ये तीनों रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी, आप मेरे साथ रहेंगी, ठीक है? जीत रहो, खुद लंबी जिंदगी दे दो। सर आप ठीक हो जाओ तो खुद पराठे बना के दूंगी तुम्हें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो मैं नवेरा बात कर रही हूँ, आप फ्री हैं, बात हो सकती है? हाँ बोलो। वो मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था, आपने अम्मी को कुछ बताया भी नहीं और वो खुश भी हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो।
दरअसल आदत नहीं है ना ट्रस्ट करने की. क्यों? बस ट्रस्ट करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रस्ट के बगैर दुनिया नहीं चल सकती. कह तो आप ठीक रहे लेकिन असल में मेरी कोई दोस्त नहीं है ना इसलिए शायद. चलो आज से हमारी दोस्ती पक्की. सच? मतलब मैं जब चाहे जो चाहे आपसे बात कर सकती हूँ? तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो और अपनी कोई भी बात शेयर कर सकती हो. और आप मेरी किसी बात पर हंसेंगे भी नहीं? प्रॉमिस? सवाल ही पैदा नहीं होता. और हाँ वहाँ आपके घर आने वाली है आप प्लीज उसे कुछ बताएंगे तो नहीं? आप बिजी हैं? मेरे गेस्ट आए मैं बाद में कॉल करता हूँ. बाय. नेवर फॉर यू. आप यहाँ? बुरा लगा? आप मजाक कर रही हैं. मजाक तो आपने किया है मेरे साथ. झूठ क्यों बोला? मैं कभी झूठ नहीं बोलता. फिर झूठ. कहाँ जा रही हैं आप? जान. इतना नाराज क्यों हो गई? अगर आप मेरे लिए सीरियस होते तो अम्मी से ये ना कहते कि आपकी तीनों बेटियां शादी करके अपने घर चली जाएंगी. कुछ गलत तो नहीं कहा था मैंने? मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था. शक करना बुरी बात है. शक नहीं, आप जो मायने बात करते हैं. देखिए ना, आपको लड़कियों की कमी है और ना मुझे लड़कों की. आप अपने रास्ते और मैं अपने. इतना गुस्सा? एक मिनट में रास्ता बदलने की बात करते. मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन यहां नहीं. क्यों? कहीं बाहर चलते हैं. मम्मी को बता के. अगर उनको पता चला कि मैं इस वक्त यहां आई हूं तो बहुत डांटेगी मुझे. मैं संभाल लूंगा. डोंट वरी. महामायने इतनी रात गए, खैरियत? हाँ वो मैंने बुलाया था उसे. आपसे कहा था ना कि शादी के बारे में फैसला करने से पहले मैं उसे मिलना चाहता हूँ इसलिए. क्या चेक कर रहे थे कि वो यूँ रात के वक्त आ सकती है? अरे नहीं नहीं, मैं वाकई उसे बात करना चाहता हूँ. इस वक्त? वैसे उसको आना नहीं चाहिए था इस वक्त. मैं बात करती हूँ उससे. नहीं नहीं, आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए. वो पहले आपसे बहुत डरी हुई इसलिए आपके सामने नहीं आ. गलती मेरी है, मुझे उसे बुलाना नहीं चाहिए था. उसने सिर्फ मेरी बात मानी है. गलती तुम्हारी नहीं है, उसी की है. उसे देखना चाहिए कि लड़कियों का इस वक्त निकलना सेफ है या नहीं है. मेरा बुलाना गलती नहीं है लेकिन उसका आना गलती हो गया. अच्छा छोड़ें इस बात को, मैं उसे कॉफी के लिए लेके जा रहा हूँ. सुनो, क्या वो मान गई? उसकी माँ ने इजाजत दे दी? क्या हो गया अम्मी, इतनी सी बात पे जजमेंटल क्यों हो रही हैं आप? मैं बस जल्दी आ जाऊंगा. बाय. हेलो ताहिर, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ तलब? ये क्या कर रही है तुम्हारी दीदी? कौन सी वाली? बड़ी वाली जाहिदा. यूं रात को महम को अकेले यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? ये कोई बात है, एहसास होना चाहिए. सेफ नहीं आजकल इस तरह घूमना फिरना. और अगर यहाँ आना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं ड्राइवर भेज देती. जब तक मेरी सुपरविजन में थी वो ठीक चल रही थी. मगर जाहिदा को तो बच्चे हैंडल करने ही नहीं आते.
बहरहाल तुम बात करो उससे। ये तरीका ठीक नहीं है। कोशिश करो कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। आप उस दिन घर आए, मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, पर आप अम्मी से ये कहकर चले गए कि बेटियों की शादी के बाद आप मेरे साथ रहेंगे। मेरा तो दिल ही टूट गया। आपने ऐसा क्यों कहा था? मुझे एक मौका देके तो दे। तुमने उसको इस वक्त घर से जाने की इजाजत क्यों दी? मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो कमरे में थी। तुम हर वक्त अपने कमरे ही में रहा करो, तुम्हारी बेटियां जहां जाएं घूमती फिरें। तुम्हारी भला से किस कदर लापरवाह हो रहा था। लेकिन वो पापा के घर ही तो गई है, कहीं किसी गैर के घर तो नहीं गई। खुदा का खौफ करो, इतनी रात गए तुम्हारी जवान बेटी अकेली चली गई, क्या क्या गाड़ी भेजी थी उन्होंने? तुमसे ये लड़कियां संभाली नहीं जाती। ज़ायदा, आप आया करें ना, पूछा करें तो लड़कियां काबू में रहीं। आप तो आते ही नहीं, इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हैं? अच्छा, जिनके शौहर नहीं होते उनकी लड़कियां बेकाबू हो जाती। तुम ये कहो कि तुम में ही सलाहियत नहीं है बच्चियों को संभालने की। बताए बगैर घर से निकली कैसे वो? सब तुम्हारी गलती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, सुनते ही नहीं। दो थप्पड़ लगाती ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाते सबके, सब सुनने लग जाती। मगर तुम्हें तो बेड पे लेटने से फुर्सत ही नहीं है, करती क्या रहती हो दिन भर तुम? अब ख्याल रखूंगी। ख्याल रखूंगी, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता होगा, रोज निकल जाती होंगी। नहीं, ऐसी नहीं है वो। अच्छा, तुम पीछे पीछे जाती हो उसके? मैंने दुनिया देखी हुई, मुझे पता है आजकल लड़के लड़कियां क्या करते फिरते हैं। आप इतने सालों बाद बाहर से आए, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे आपके साथ यहाँ भी आना चाहिए था या नहीं। और आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने मामी जान से वो बात किसी वजह से कही थी, लेकिन वो वजह मैं बता नहीं सकता। आप प्रॉमिस किया किसी से कुछ ना कहने का। किससे? उससे जिसने ये बात बताई मुझे। अगर आपके लिए वो और उसका प्रॉमिस इतना इम्पोर्टेंट था तो आप मुझे बता देते, ताकि मैं यहाँ नहीं आती। चलें। रुको प्लीज, बैठो। देखिए, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ इस तरह से वक्त नहीं गुजारना चाहती जो मुझसे शादी का इरादा ना रखता। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या इरादा है। आपका इरादा जो भी हो, आप अभी से इतनी बातें छुपा रहे हैं तो आगे जाने क्या होगा? बात छुपा नहीं रहा, बस बताना नहीं चाह रहा। बात तो सेम है ना। इट्स ओके, आपने मुझे कहा था कि हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, और उसके बाद अगर आप मुझे सही ना लगे तो आप इनकार कर देंगे। तो ठीक है, आप पप्पू से कह दें कि ये शादी नहीं हो सकती, अब चलें। इतनी सी बात पे इनकार? छोटी छोटी बातों से ही पता चलता है कि दूसरे की जिंदगी में हमारा क्या मुकाम है। आपको कैसे पता चला कि वहां हम घर पे? मुझे खुद तलत ने फोन किया था, जलील करा के रख दिया है तुमने मुझे। खुद सोचो वो क्या सोचेगी माम के बारे में। दावर ही लेकर गया है ना, अपना बच्चा है घर का, मैं इतनी परेशान होने वाली तो बात नहीं है। अच्छा, बड़ा भरोसा है तुम्हें उस पे? आप प्लीज फोन करके उसे कहें कि वो इसे छोड़ जाए यहाँ पर। नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा,
तुमने उसे जाने की इजाजत दी, अब तुम भुगतो। सही कहते हैं लोग, बेटियों के बाप के नसीब में जिल्लत ज्यादा होती है। तुम सोचो, मैं यही हूं और तुम सोचती रहो, शायद तुम्हारी मोटी अकल में कोई बात आ जाए। मैं अभी ट्राई करती हूँ, दोबारा फोन करती हूँ उसे। प्रॉमिस करो कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। आई प्रॉमिस, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मामी जान को लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और हमारी शादी के बाद मेरी अम्मी और मैं तुम्हें और मामी जान को मजीद टफ टाइम देंगे, और मामी जान इस वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने वो बात कही। और ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि जब तुम तीनों बहनों की शादी हो जाए तो मामी जान हमारे साथ है। आपसे ये सब किसने कहा? हाँ बताऊं तो? उफ, कितना इम्पोर्टेंट है वो शख्स आपके लिए। किसी का भरोसा तोड़कर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, इसे कभी तोड़ना मत। प्रॉमिस। कितने वादे लेंगे आप मुझसे? नवेरा से बात हुई थी मेरी, उस दिन जब मैं घर आया था तो उसने मुझे घर में दाखिल होने से रोक दिया। मैंने वजह पूछी, उसने बताई नहीं। पहले उसने कहा कि मामी जान की तबीयत खराब है, लेकिन आखिरकार मैंने उसे बहुत फोर्स करके पूछा तो उसने बताया कि मामी जान को मेरे आने से प्रॉब्लम है, कि वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। इसलिए मैंने मामी जान से ये सब कहा था ताकि वो किसी भी किस्म के प्रेशर में आए बगैर सुकून से फैसला करें। कितनी स्मार्ट है नवेरा, चुपके चुपके आपसे कितनी बातें करी। हम सब तो उसे बहुत मासूम समझते हैं। बहुत परेशान थी बेचारी, बहुत प्यार करती है मामी जान से। मेरी अम्मी से बहुत प्यार करती है और इसीलिए आपको घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो आप हैं, वरना कोई और होता तो मामला वहीं खत्म हो जाता। आप उसे नहीं जानते मगर मैं जानती हूँ। ऐसे काफी समझदार हैं आप। शुक्र है तुमने मुझे समझदार तो मान लिया, वरना तो तुमने डरा ही दिया था। इस तरह मेरा पूछना आपको बुरा लगा? नहीं, सच पूछो तो अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लेती हैं, बस जो बात दूसरे लोग कह रहे होते हैं उस पर अमल करती हैं। लेकिन तुमने तो ये भी परवाह नहीं की कि क्या कि मैं हाथ से निकल जाऊंगा। अब अपने आप को समझते क्या है? मैं समझता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये आपने मुझसे दूसरी बार कहा है, और उस वक्त तक कहता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहते। प्लीज कॉफी तो लो। माहम, बाबा कहाँ थी तुम? आ गई आवारा गर्दी करके। बताओ कहाँ थी? बोलो। मैं पप्पू की तरफ गई थी। अच्छा, क्यों? उन्होंने मुझे बुलाया था। झूठ भी बोलने लगी हो तुम। उन्होंने नहीं बुलाया था तुम्हें, तुम खुद गई थी वहाँ। क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा तुमने दावर पे कि कितनी आजाद ख्याल है मामू की बेटी। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी है? आप शायद भूल रहे हैं, मेरी तरबियत पप्पू ने की है, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। ज़बान भी चलाने लगा तो बदतमीज कहेगी।
ये सब इसी ने किया है ना? आपको फोन करके इसी ने बुलाया ना? ये छोड़ दो इसको, इसने नहीं बताया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने किया होगा, यही हर वक्त मेरी टो में लगी रहती है। इसने नहीं बताया, तुम्हारी पप्पो ने मुझे फोन किया। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना।